को राजधानी लखनऊ से बता देते हैं, जहां पर बिल्डर की मनमानी देखने को मिली है। सोसाइटी में रहने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। सोसाइटी के लोगों को एमआई बिल्डर ने ठगा है और इसी को लेकर सभी सोसाइटी के लोगों ने प्रदर्शन भी कर रहे हैं और लगातार पुलिस से शिकायत भी की जा रही। तो बिल्डर की मनमानी से आक्रोशित नजर आए हैं सोसाइटी के लोग और इसी को लेकर हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी ने जायजा लिया। राजधानी लखनऊ में बिल्डरों की कारगुजारी लगातार सवालों के घेरे में बनी रहती है और एक बार फिर से कादिर नाम के एक बिल्डर की ऐसी कारगुजारी से एमआई ग्रुप में रहने वाले लोगों के सामने बड़ी समस्या बन रही है। इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस सोसाइटी में जो लोग रहते हैं इनसे जानेंगे आखिर क्या कुछ समस्या इनके सामने है, विरोध करने का आखिर क्या कारण है। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं एक साथ, क्या कुछ समस्या है और किस बात को लेकर आप विरोध कर रहे हैं? हमें पहले शुरू में जब हम लोगों ने फ्लैट बुकिंग कराई थी तो हमसे क्लब चार्जेस लिए गए थे और ये बताया गया था कि बाकी चीज़ें फ्री होंगी और आपको बस मेंटेनेंस देना होगा, लेकिन अब हर चीज़ के लिए चार्ज किया जा रहा है हमसे और कह रहे हैं कि अगर आप पे नहीं करेंगे तो हम आपको यूज़ नहीं करने देंगे, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, क्लब हो गया, और हम यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं उसको। ये एमआई ग्रुप का सोसाइटी बनाया गया और देख रहे हैं ये क्लब बनाया गया और जब ये सोसाइटी बनी थी तो जितने भी जो है जो रहने वाले उनसे कहा गया था कि जब इस क्लब को बनाया जाएगा तो आप सभी लोग एक बार में एक पेमेंट करेंगे, उसके बाद मेंबरशिप आपकी ऑल टाइम रहेगी। लेकिन अब स्थिति ये है कि इसको कॉमर्शियल कर दिया जा रहा है और बाहरी लोग आ रहे हैं, इसको लेकर सोसाइटी के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आखिर जब सोसाइटी के लोगों के लिए बनाया गया था तो आखिर बाहरी लोग यहाँ पर क्यों आते हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं उनके सामने बड़ी समस्याएं बनी हुई है। सर क्या कहना है, क्यों विरोध कर रहे हैं? यहाँ पे इन्होंने इस क्लब को पूरा कमर्शलाइज कर दिया है, ऊपर बार खोल दिया है, रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, पेंटलून के पूरा मिनी मॉल बना रहे हैं उसको। अगर ये ऊपर बार खोल रहे हैं और हमारे यहाँ जितनी भी फैमिलीज हैं उनकी जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पे जिम करने आ रही हैं तो यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट है कि उनकी क्या सिक्योरिटी की गारंटी है। ये वॉल पूरी डिमोलिश कर दी गई है 6 महीने से, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इनसे बिल्डर से जब भी बात करने के लिए जाओ आप, ये टाइम देके किसी भी मैटर को लिंगर ऑन कर देते हैं, आज नहीं कल जब देख लेते हैं कि रेजिडेंट इकट्ठा है तो उसके अकॉर्डिंग अवॉइड करके निकल जाते हैं और हम लोग कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम आज ये मॉल बंद करने आए हैं अपनी साइड से कि बिल्डर हमसे आए और बात करे तभी मॉल ओपन होगा। देख रहे लगातार जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो सुरक्षा के जो मानक थे उनको दरकिनार कर दिया है बिल्डर ने। यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल बनाया गया था उसको तोड़ दिया गया है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की बात जो आती है उसको लेकर सोसाइटी वाले चिंतित हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब सोसाइटी बनाई गई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कहा गया था जब ये क्लब बनाया जाएगा तो सोसाइटी के लोगों को ही सिर्फ आने की अनुमति होगी, लेकिन अब जिस तरह से कमर्शियल करने के बाद जो बाहरी लोग आ रहे हैं उससे जो सोसाइटी के लोग हैं उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर जो सोसाइटी के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। और क्या कुछ बातचीत हुई है आपकी बिल्डर से या फिर यहाँ के जो मैनेजर उनसे क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? मतलब इशू तो यही है, मेन तो क्लब का ही है कि क्लब में यूज हमारे बच्चे आते हैं, बाहर से बच्चे आ रहे हैं और उनको यूज नहीं करने दिया जा रहा। हम लोगों ने इस पर विरोध किया, कल रात में हम लोग खड़े हुए थे, हम लोगों ने कल रात में इसे विरोध किया कि हमारे प्रमाइसेस के अंदर हमसे पैसा लेकर ऑफिस चला रहे हैं, फर्नीचर की दुकानें खोल रखी, ऊपर बार खोल रखा हुआ है, तो हमारे छोटे बच्चे यहाँ साइकिलिंग करते हैं, ऊपर बार से कहाँ का आदमी आ रहा है, कैसे कंट्रोल करेंगे? हम लोगों ने इसका जब विरोध किया तो रात में पुलिस बुला ली उन्होंने और उस पर लिखा कि एंटी सोशल एलिमेंट है, जबकि हम सोसाइटी के अंदर है, हमारा रेजिडेंट हम ही को उन्होंने एंटी सोशल एलिमेंट बना दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सोसाइटी एक रेजिडेंशियल पार्ट है, आप उसकी बाउंड्री गुला के ओपन फॉर ऑल अगर कर देंगे तो यहाँ पे इतनी महिलाएं खड़ी हैं, बच्चे खड़े हुए हैं, रिहायशी इलाके में लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? हमें पता ही नहीं हमारे सोसाइटी के अंदर कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी जा रहा है। तो हमारा विरोध इस बात को, हमसे 7.5 करोड़ रुपए ज्वाइंटली लिए गए हैं, 7.5 फ्लैट है, 1 लाख रुपए ले, 7.5 करोड़ रुपए लेके और हमको क्लब नहीं दिया गया, उससे उन्होंने दुकानें बना दी, उससे वो इनकम चला रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी के बीच भी है और कमिटमेंट जो किया था उसका बीच भी है। देख रहे तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बिल्डर ने दावे किए थे, जो वादे किए थे सोसाइटी के लोगों से, वो दावे और वादे दरकिनार कर दिए और अब सवाल ये खड़ा होता है जब करोड़ों रुपए सोसाइटी के लोगों से लिए गए तो आखिर क्या वजह है कि जो बाहरी लोग हैं उनको अनुमति दी जा रही है। आप देख रहे हैं ये वो क्लब बनाया गया है, एमआई ग्रुप का ये क्लब है जिसको बनाया गया था सोसाइटी के लोगों के लिए, लेकिन अब जब सोसाइटी के लोगों ने पूरा पेमेंट कर दिया अब उसके बाद में यहाँ के बिल्डर की कारगुजारी ये है कि जो पैसा सोसाइटी के लोगों को था उसका लाभ बाहरी व्यक्तियों को दिया जा रहा है। कैमरा के साथ मैन के तिवारी के न्यूज लखनऊ। तो इसको लेकर हमारे संवाददाता ने पूरा जायजा लिया, जिस तरीके से हमने खुद सुना था कि वहां के लोगों ने खुद गंभीर आरोप लगाए बिल्डर के ऊपर। हमारे साथ लगातार जुड़ गए हैं संवाददाता अनिकेत तिवारी।
अनिकेत, फिलहाल की स्थिति क्या है, क्योंकि वहां के लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं क्या अभी भी? अनिकेत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं सुन पा रहा हूँ आपको। अनिकेत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। अनिकेत, फिलहाल की स्थिति क्या है, क्या अभी भी लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो लगातार विरोध करते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें ये पूरे मामले की और ये मामला कहां का है, तो मैं बताना चाहूंगा सभी को कि ये मामला पूरा राजधानी लखनऊ के रसल कोट अपार्टमेंट का है। ये रसल कोट अपार्टमेंट राजधानी लखनऊ के विस्तार में बना हुआ है, जहां पर लाखों रुपए जो वहां के सोसाइटी के जो लोग थे उनसे वसूला गया। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि उस सोसाइटी में लगभग 500 फ्लैट बनाए गए हैं, और 500 फ्लैट में हर फ्लैट के जो ओनर है उनसे 1,00,000 रुपए बिल्डर ने वसूल किए थे, और उसके बाद इस क्लब का निर्माण किया गया। और ये बताकर निर्माण किया गया कि जो सोसाइटी के लोग हैं वो ही इस क्लब में आने की अनुमति उनको होगी, सही लोग इस क्लब का लाभ ले पाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से क्लब का निर्माण हो गया, क्लब बना दिया गया, वहां पर ऊपर बार खोला गया, वहां पर स्विमिंग पूल खोला गया, उसके बाद से लगातार अब ये बात सामने आ रही है कि वहां पर जो बाहरी लोग हैं, जो बाहर के रहने वाले लोग हैं, उन्हें अनुमति दी जा रही है अंदर आने के लिए। न केवल अनुमति दी जा रही है, इसके साथ साथ जो वहां पर जो प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं, जो सोशल एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं बाहरी लोगों की एक्टिविटी देखने को मिलती है, जिसका लगातार वहां के सोसाइटी के रहने वाले लोग विरोध कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब 1,00,000 रुपए सोसाइटी के पर अपार्टमेंट से लिया गया, लगभग 7 करोड़ रुपए सोसाइटी से वसूल किया गया बिल्डर की तरफ से, उसके बाद अब जिस तरह से बाहरी लोगों को अनुमति दी गई है, अनिकेत, 1 करोड़ रुपए ले लिए गए, लेकिन अभी तक उनको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। नजर बनाने के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से आपने खुद सुना की सोसाइटी के लोगों ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, और एक क्लब का निर्माण कर दिया गया लेकिन वहां पर बार बना दिया गया है, स्विमिंग पूल बनाया गया है, लेकिन वहां पर वो बाहर के लोग आकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी को लेकर सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के